अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अखरोट को तोड़ लें। अब इन छिले हुए अखरोटों को मिक्सी में डाल के या तो फिर आप खन्नी दस्ते से पीस लें। अब इसको हम अच्छे से कूट लेंगे, ना बारीक रखेंगे ज़्यादा और ना ज़्यादा मोटा। इसको पीसते वक्त ही इसमें डाल देंगे दो इलायची, इसको भी साथ ही कूट लेंगे। सबसे पहले एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। यहाँ पे अगर आप हल्दी घी का यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। अब हम इसमें अपने पीसे हुए अखरोट डाल देंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। फ्लेम यहाँ पे आप मीडियम लो रखेंगे। 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। अब इसको भी कंटिन्यूसली चलाएंगे ताकि कुछ भी नीचे चिपके ना। इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून दूध। अब हम इसको चमचे चलाते रहेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे और इसका दूध खुश ना हो जाए। ये देखिए हमारा अखरोट हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने रख देंगे, फिर इसको सर्व करेंगे। एक बाउल में मैंने पेपर लगाया है, उसको ऑयल से ग्रीस किया। अब मैं सारा हलवा इसमें ट्रांसफर करूंगा। हलवा रेडी हो गया। अब इस पर हम साबुत वॉलनट्स लगाएंगे, साबुत अखरोट लगाएंगे डेकोरेशन के लिए।